दोस्तों, अगर आप साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप साड़ी पहनना तो कम से कम सीख ही जाओगे। तो फ्रेंड्स देखिए, साड़ी को थोड़ी पीछे से मैंने टक किया है पेटीकोट के अंदर, और उसके बाद अच्छी तरह से अपने पेटीकोट में चारों तरफ टक कीजिएगा, नहीं तो आप जब चलोगे आपके पैरों के नीचे साड़ी फंस सकती है और आपके गिरने का भी डर हो सकता है और साथ ही साथ साड़ी भी खुल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पेटीकोट के अंदर साड़ी को टक कर लिया है। और अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्रंट प्लीट्स करूँगी, तो बिल्कुल नहीं, अब हम करेंगे शोल्डर प्लीट्स। तो देखिए, शोल्डर प्लीट्स बहुत ही कम चौड़ी मैं कर रही हूँ, इस तरह से आप बहुत ही, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत ही क्लियर तरीके से समझ पाओ। इस तरह से आपने शोल्डर प्लीट्स बना ली, और फिर यहाँ पर मैं क्लचर लगा रही हूँ ताकि प्लीट्स इधर उधर ना भागे और अच्छी तरह से सेट हो सके। यहाँ पर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि मैंने पहले फ्रंट प्लीट्स बनाने के लिए क्यों नहीं कहा। तो दोस्तों, फ्रंट प्लीट्स बना सकते हो आप, लेकिन अगर आप पहले सामने की प्लीट्स बना लेते हो और उसके बाद शोल्डर प्लीट्स बनाते हो, तो कई बार क्या होता है, शोल्डर प्लीट्स एक बराबर नहीं होती है, छोटा बड़ा हो सकता है, पल्लू बिल्कुल एक बराबर नहीं भी आता है। तो जब आप पूरी तरह से साड़ी पहनना सीख जाओगे तो आप पहले फ्रंट प्लीट्स भी बना सकते हो, पर यहाँ पर मैंने पहले आपको शोल्डर प्लीट्स बनाने के लिए कहा ताकि पल्लू बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, पल्लू को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है, और अब उसे पीछे की तरफ से इस तरह से घुमाते हुए मैंने अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख लिया है। यहाँ पर आपको अपने ब्लाउज़ को साथ लेते हुए सेफ्टी पिन की हेल्प से पल्लू को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, पल्लू के बिल्कुल नीचे की तरफ से मैंने फैब्रिक को पीछे से थोड़ा सा खींचते हुए कमर के साइड में इस तरह से सेट किया है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको फिर से एक सेफ्टी पिन लगाना है अपने पेटीकोट को साथ लेते हुए। यहाँ पर दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि पल्लू की लंबाई आप अपने नी से थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, नी से नीचे तक होनी चाहिए, क्योंकि पल्लू अगर आप छोटा रखते हो तो आपकी हाइट भी काफ़ी छोटी लगने लगती है। तो चलिए अब फ्रंट प्लीट्स बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से काफ़ी चौड़ी चौड़ी सी लेते हुए मैंने, जितनी ज़्यादा ब्रॉड आपसे हो सके उतनी ब्रॉड करके आप लीजिएगा, और इस तरह से फ्रंट प्लीट्स आप बना लीजिएगा। और लास्ट में जो प्लीट आप बनाओगे उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है साड़ी का, वो सारा आप ले लीजिएगा, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली प्लीट है ना, उसमें अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर अगर आपने लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे साड़ी और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैं एक एक प्लीट्स को अच्छी तरह से ले रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से उसे सेट कर ले रही हूँ। और अब अपने नेबल के बिल्कुल नीचे की तरफ आपको अपने पेटीकोट के अंदर इन प्लीट्स को टक इन कर लेना है। यहाँ साइड में कमर के पास अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आए तो उसे इस तरह से खींच करके पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने पेटीकोट के अंदर अच्छी तरह से टक इन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सामने की तरफ जो प्लीट्स है कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। और यहाँ पर अब हम पिन लगा लेंगे पेटीकोट को साथ लेते हुए। आपको यहाँ पे या तो कोई सेफ्टी पिन या फिर जो भी ब्रोच वगैरह आप लगाना चाहते हो, फैंसी पिन लगाना चाहते हो, उसे यहाँ पर इस तरह से लगा लीजिए। और दोस्तों, फ्रंट प्लीट्स और भी अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके लिए मैंने सभी प्लीट्स को एक साथ पकड़ा है और उसे अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से आयरन कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इससे अपना जो हेयर स्ट्रेटनर है उसके साथ भी आयरन कर सकते हो। मैं इसे हाथों से ही थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दे रही हूँ ताकि ये और भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो दोस्तों, अपने आंचल के पल्लू में अभी तक मैंने सेफ्टी पिन नहीं लगाई थी, तो फिर से मैं पल्लू को इस तरह से ले रही हूँ, उसकी एक एक प्लीट्स को पकड़ करके थोड़ा सा टाइट खींच रही हूँ ताकि और भी अच्छी तरह से फिट हो जाए। इस तरह से खींचते हुए हर एक प्लीट्स को मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि फ्रंट प्लीट्स की तरह ये भी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। और दोस्तों, पल्लू को जब हम सेट कर रहे थे तो हमने एक क्लचर लगाया था शुरुआत में, अगर आपको याद होगा। जब आपका पल्लू पूरी तरह से सेट हो जाएगा, आप उसे सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लोगे, तो उस क्लचर को रिमूव करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम दिया अपने सभी प्लीट्स को सेट करने के लिए ताकि मैं बहुत ही कंफर्टेबली साड़ी को कैरी कर पाऊँ। आप भी अगर साड़ी पहनते हो और अगर आप नया नया साड़ी पहनना सीखे हो तो इस तरह से एक बार थोड़ा सा टाइम देकर अच्छी तरह से अपनी साड़ी को सेट कीजिएगा, और उसके बाद बहुत ही कंफर्टेबली आप साड़ी में बहुत देर तक रह सकते हो। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने नया नया साड़ी पहनना सीखा है या फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बहुत ही बारीकी से आपको साड़ी के बारे में एक एक चीज़ बता पाऊँ, जिससे कि आप साड़ी को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में पहन सको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल